हेलो एवरीवन आज इस वीडियो में हम जानेंगे डीएनए की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में एंड उसमें क्या कौन सी शुगर प्रेजेंट है ये सब देखेंगे सो so, ध्यान से आप इस वीडियो को देखना ठीक है न्यूक्लिक एसिड जो है वो फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट फ्रीडरिक मिशर इन विच ईयर 1869 एंड पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मिलकर जो है उसकी बैकबोन जो है वो बनी होती है न्यूक्लियोटाइड वर्ड में और न्यूक्लियोसाइड में एक ही डिफरेंस है कि उसमें फोस्फेट ग्रुप अटैच है न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या आता है नाइट्रोजिनस बेस शुगर प्लस फोस्फेट ग्रुप ये तीनों चीजें आती है लेकिन न्यूक्लियोसाइड में जो है वो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो एबसेंट होता है नाइट्रोजिनस बेस दो तो टाइप के प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लिक एसिड यानी कि डी में पैरामिडिन एंड प्यूरिन प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन की बात करते हैं और पैरामिडिन के हम के अंदर आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं दिस इज द साइटोसिन स्ट्रक्चर यूरेसिल एंड थायमिन यूरेसिल जो है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है डीएनए में साइटोसिन प्लस थायमिन ही प्रेजेंट होती हैं क्लियर है दिस इज द प्योरिन स्ट्रक्चर दैट इज द यूरिन एंड ग्वानिन एंड हेयर यू कैन सी द फोसएट शुगर दो टाइप्स की फोस्फेट शुगर प्रेजेंट होती है आर uh, के अंदर राइबो शुगर प्रेजेंट होती है डी में डी राइबो शुगर प्रेजेंट होती है क्लियर है ये इनकी स्ट्रक्चर है जो एग्जाम

ठीक है और इसके अलावा हम बात करते हैं सेंट्रल डोगमा सेंट्रल डोगमा क्या होता है जब डीएनए डीएनए से डीएनए फॉर्म होता है तो उस प्रोसेस को हम कॉल करते हैं रेप्लीकेशन जब डीएनए से हमारा आरएनए बनता है तब उस प्रोसेस को हम कॉल करते हैं ट्रांसक्रिप्शन और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है इस प्रोसेस को हम कॉल करते हैं ट्रांसलेशन ये तीनों ही टर्म्स जो है वो बहुत ही बेसिक है और हर किसी को इसके बारे में पता होना चाहिए सेंट्रल डोगमा कहता है कि एक सीक्वेंस में सारा प्रोसेस होता है डी से आर बनता है आर से प्रोटीन बनता है ठीक है जब डी से डी की कॉपी बनती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं Transcript, किसे कॉल करते हैं जब डीएनए से आरएनए बने और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तब उस प्रोसेस को कॉल करते हैं हम ट्रांसलेशन तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए इसके अलावा हम बात करते हैं अगेन दोबारा से स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में क्या होता है आप सबसे पहले क्या कर... आ, सबसे पहले जो है एक्सरे क्रिस्टोग्राफी सेलोग्राफी से जिसने स्ट्रक्चर बनाई थी वो है हमारे एंड फ्रैंकलिन उसके बाद वेट्सन और क्रिक को जो है नोबेल प्राइज मिला था डबल हेलिक्स मॉडल देने के लिए डीएनए का ठीक है इसमें आप देख रहे हैं डीएनए जो मैंने आपको पहले जो एनसीआरटी की स्ट्रक्चर दिखाई थी डीएनए हमारा क्या है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है दो है ना दो हेलिक्स बने हुए हैं एक कंप्लीट टर्न जो है तो हेलिक्स का उसमें आ, कि इसके कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में हम जानते हैं जैसे कि डबल स्टैंड होता है जैसे मैंने अभी आपको बताया और इसकी एंटी पैर पॉलेरिटी होती है मतलब एक स्टैंड जो होता है वो फाइव टू थ्री डायरेक्शन में जाता है तो दूसरा स्टैंड जाता है दूसरा स्टैंड जो है वो थ्री टू फाइव डायरेक्शन में होता है मतलब उल्टा होता है कॉम्प्लीमेंटेरिटी होते हैं स्टैंड जैसे कि एडनिन के सामने थाइमिन लगा होगा या जिस जगह पे थाइमिन है उसके बिल्कुल जस्ट सामने एडनिन होगा ठीक है इसके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे ठीक है बेटी ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए डीएनए कैसा होता है हमारा मॉलिक्यूल डबल स्टैंडर्ड एंटी एंटीपैर पॉलिरिटी होती है कॉम्प्लीमेंटेरिटी स्टैंड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं इनके बीच जो बॉन्ड बने हो ना फोस्फेट जो है वो शुगर के साथ जिस बॉन्ड से अटैच है दैट इज द सिंगल हाइड्रोजन और एडमिन थामिन जो वो डबल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से थाइमिन के साथ बॉन्ड बना रखा है ठीक है और ग्वानियन साइटिस में आप देख पा रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड है क्लियर है यूनिफॉर्म डायमीटर होता है ट्वेंटी एंगस्ट्रॉम का और डिस्टेंस जो होती है दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे थ्री पॉइंट फोर एक्सट्रॉम के होते हैं और हेलिक्स की जो वन टर्न जो है ना हेलिक्स का इसका जो कंप्लीट टर्न है वो कितने का होता है थर्टी फोर एंक्सट्रॉम का ठीक है और स्टेप्स बेस पेयर लगे होते हैं आपको पता है बैकबोन में बैकबोन में इसके अलावा बेस पेयर के अलावा क्या होते हैं नाइट्रोजनस बेस के अलावा शुगर और फोस्फेट के मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं ठीक है तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में क्लियर है सो so, आगे बात आगे की जो प्रोसेस है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे थैंक यू सो मच